हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए जो आपका जनरल नॉलेज वाला पार्ट आ रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए जो है मैं जो है आपको कुछ जनरल नॉलेज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ये सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये जो है पार्ट वन है इस सीरीज का, ठीक है। बाकी जो इसके पार्ट्स आगे वाले जो पार्ट मैं अपलोड करूंगा वो एक प्लेलिस्ट में कंपाइल कर दूंगा, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप जो है चेक कर पाएंगे अगर आप ये जो वीडियो है वो बाद में देख रहे होंगे, ठीक है। तो एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 जीके प्रिपरेशन इस तरीके का मैं प्लेलिस्ट का टाइटल डाल दूंगा, वो प्लेलिस्ट जो है वो आप चैनल पर भी जाकर जो है बाद में आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो है मैं सारे पार्ट्स डाल दूंगा। बेसिकली होता यह है कि जिस साल एग्जाम होता है तो उसके प्रीवियस ईयर के जो है नेशनल और थोड़े बहुत जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। स्टैटिक जीके बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल ही आती है, जो चीज आती है वो है आपका करंट अफेयर्स। तो बेसिकली हम लोग सारे पार्ट्स में करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, हर एक पार्ट में जो है हम लोग एक मंथ लेंगे और एक मंथ के जो है जितने भी टॉप करंट अफेयर्स होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेन फोकस हमारा नेशनल पे रहेगा, नेशनल करंट अफेयर्स पे, लेकिन थोड़ा बहुत फोकस जो हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर भी रखेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है ना आपको कुछ याद करना है, बस आप एक बार जो है वीडियो कंप्लीट मेरे साथ देख सकते हैं। अगर आपको स्पीड इसकी स्लो लगे तो आप 1.5x कर सकते हैं, 1.75x कर सकते हैं, तो इस तरीके से जो आप इसको देख लेंगे। और एक बार जैसे आप अभी मेरे साथ रोज देख रहे हैं, और एक बार जो है आप अपने एग्जाम से 4-5 दिन पहले सारी वीडियोस को एक एक बार देख लेंगे तो आपका काफी अच्छा जो है रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चंस हैं तो इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जीके के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल करंट अफेयर्स पढ़िए लास्ट ईयर के यानी कि 2021 के, लेकिन मैं जो है सेफ जोन में आपको रखने के लिए जो है 2022 के मई तक के जो है वो भी आपको करंट अफेयर्स आगे अपकमिंग वीडियोस में करा दूंगा। पहले हम लोग 12 वीडियोस ये वाली कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो 5 वीडियोस होंगी मतलब जनवरी 2022 से लेके मई 2022 तक, तो वो भी हम लोग जो है कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपका जो है सिलेबस में से कोई भी पार्ट यहां पर नहीं छूटेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ठीक है। तो ये जनवरी 2021 के हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो यहां पर पहला क्वेश्चन हमारा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ठीक है। तो ये एक बुक का नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, तो इसके जो है ऑथर कौन है यानी कि लेखक कौन है, तो उनका नाम क्या है, रामचंद्र गुहा, ठीक है। तो ये नाम आपको जो है अच्छे से याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंडिया डिजिटल समिट 2021, ठीक है। तो इंडिया डिजिटल समिट जो हुआ था 2021 में उसका थीम क्या था, तो थीम था आत्मनिर्भर भारत। इसके बारे में आपने काफी ज्यादा सुना भी होगा, काफी चर्चा में था। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है स्टार्ट ऑफ द न्यू डिकेड, ठीक है, सॉरी आत्मनिर्भर भारत। फिर इसका एक मतलब एक टाइटल और दिया गया कि स्टार्ट ऑफ द न्यू डिकेड, मतलब एक डिकेड की नई शुरुआत, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका थीम था, किसका, इंडिया डिजिटल समिट 2021 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has been felicitated with the Indian Personality of the Year Award at the 51st International Film Festival of India? ठीक है, तो International Film Festival of India यानी कि IFFI में जो है Indian Personality of the Year Award किसको मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर है बिस्वजीत चैटर्जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर टूरिज्म डे किस दिन मनाया जाता है, जनवरी 25 को। नेशनल वाटर्स डे कब मनाया जाता है, जनवरी 25 को, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते डे वाइज क्योंकि स्टैटिक जीके का पार्ट है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव 2 एक्सप्रेस वे एयर स्ट्रिप्स, ठीक है। तो एक्सप्रेस वे एयर स्ट्रिप्स कौन सी स्टेट में है, कौन सी स्टेट में 2 एक्सप्रेस वे एयर स्ट्रिप्स है एज पर जनवरी 2021, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट है द टैब्ल्यू ऑफ विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रिपब्लिक डे परेड 2021, तो टैब्ल्यू का मतलब होता है झांकी, ठीक है। तो रिपब्लिक डे जो हुआ था 2021 में जनवरी 26 को, तो उसमें जो झांकी थी, बेस्ट जो झांकी थी जिसको अवार्ड मिला था, फर्स्ट प्राइज जिसको मिला था, वो किस स्टेट की थी, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे दूरदर्शन का टेलीकास्ट होता है, तो जब 26 जनवरी की परेड निकल रही होती है तो उसमें अलग अलग स्टेट की झांकियां होती है, तो उसमें जो फर्स्ट प्राइज मिला था वो कौन सी स्टेट को मिला था, उत्तर प्रदेश को। फिर नेक्स्ट है
एट विच प्लेस इन इंडिया सॉफ्टवेयर मेजर माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च्ड दिस न्यू इंडिया डेवलपमेंट सेंटर आईडीसी फैसिलिटी. तो इसका करेक्ट आंसर है नोएडा. ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट सेलिब्रेटेड द गोल्डन जुबली ऑफ इट स्टेटहुड डे ऑन जनवरी 25, 2021. ऑन जनवरी 25, 1971 दिस स्टेट हैड बिकम इंडियाज 18th स्टेट. ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर है. हिमाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे था बेसिकली, आप ये मान सकते हो. ठीक है, तो जनवरी 25 को जो है 2021 को जो है इसका स्टेटहुड डे मनाया गया और 1971 में ये 18th स्टेट बनी थी इंडिया के. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 24. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 19 ईयर ओल्ड हरिद्वार बेस्ड स्टूडेंट हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड फॉर वन डे ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा 2021 में काफी चर्चा में रहा था. तो 19 ईयर ओल्ड की एक हरिद्वार की स्टूडेंट थी, हरिद्वार उत्तराखंड में है, जिसने उत्तराखंड की जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है उसको संभाला था एक दिन के लिए. कब? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर. ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे अभी हमने देखा कब मनाया जाता है, जनवरी 24 को. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सृष्टि गोस्वामी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फंड हैज बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम. ठीक है, तो स्टार्टअप कौन सा वाला है, इंडिया सीड फंड स्कीम. तो बेसिकली सीड से रिलेटेड होगा. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना फंड रिलीज करा है, 945 करोड़ रुपीज. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर्स बर्थ एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व ऑन जनवरी 28. तो लाला लाजपत राय इज द करेक्ट आंसर. तो जनवरी 28 को जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी, लाला लाजपत राय की. ये भी स्टैटिक जीके का पार्ट है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेलीकॉम कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ द 5G नेटवर्क. तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय एयरटेल. ठीक है, तो एयरटेल कंपनी ने जो है 5G नेटवर्क को सबसे पहले इंडिया में डेमोन्स्ट्रेट करने का काम किया है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांता दोरा हु पास्ड अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट. तो प्रशांता दोरा जो जनवरी 2021 में जो है जिनकी डेथ हो गई थी, तो वो किस स्पोर्ट से रिलेशन रखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर जैपनीज प्राइम मिनिस्टर हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्म विभूषण अवार्ड, द सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इन पब्लिक अफेयर्स. तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिंजो आबे. ठीक है, तो शिंजो आबे जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, कहां के, जापान के, जिनको पद्म विभूषण अवार्ड इंडिया में दिया गया था. ठीक है, जो कि सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है. क्लियर है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर कन्फर्म्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फॉर देयर एक्सेप्शनल एबिलिटीज एंड आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट इन द फील्ड्स ऑफ स्कॉलरस्टिक इनोवेशन आर्ट्स एंड कल्चर स्पोर्ट्स सोशल सर्विस एंड ब्रेवरी. ठीक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे जिनको जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था जनवरी 2021 में. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32. ठीक है, तो बेसिकली 26 जनवरी के आसपास ही जो है ये जो पुरस्कार होता है, जो ये अवार्ड होता है, ये बच्चों को दिया जाता है उनके एक्सेप्शनल एबिलिटीज के लिए. तो टोटल कितने ऐसे कैंडिडेट्स थे, 32 थे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ऑब्जर्व पराक्रम दिवस टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको कमेमोरेट करने के लिए, मतलब उसकी याद में जो है पराक्रम दिवस कौन सी तारीख को मनाने का जो है डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. तो इसका करेक्ट आंसर है जनवरी 23. ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि पराक्रम दिवस जो है वो किसके कमेमोरेशन में मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. और कब मनाया जाता है, जनवरी 23 को. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द यूथ अवेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हु हैज बीन टेम्पररी असाइंड द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी. ठीक है, तो लद्दाख इसका करेक्ट आंसर. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट एवर जो खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, ये कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में मनाया गया था. ठीक है, या क्या बोलते हैं, हुआ था ये. तो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, आप सभी को पता होगा. तो लद्दाख में जो है पहला खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मनाया गया. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रूट हैज बीन रीनेम्ड बाय द गुजरात गवर्नमेंट एस कमालम विच मीन्स लोटस इन संस्कृत. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ड्रैगन फ्रूट. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली, क्योंकि ये आपके बॉटनी से भी रिलेशन रखता है. ठीक है, तो कमालम याद रखना,
कि गुजरात गवर्नमेंट ने जो है इसका नाम कमालम रख दिया था, कमालम या कमलम बोल सकते हो आप, जिसका मतलब जो है संस्कृत में क्या होता है, लोटस होता है। ठीक है, तो कौन से फ्रूट का नाम रखा गया है कमलम, ड्रैगन फ्रूट का। ठीक है, ड्रैगन फ्रूट आप सभी ने देखा भी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच वेन्यू इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन जनवरी 1921 बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 32 ईयर्स। ठीक है, तो द गाबा इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो है इंडिया ने पहली बार डिफीट करा था, कहां पर, गाबा में, और किसको करा था, ऑस्ट्रेलिया को करा था। ठीक है, तो ये भी वैसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह से क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री इंडिया हैज सेंट 1 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीन एज अ गिफ्ट अंडर द वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि कोविड से रिलेशन रखता है, कोविड मेडिकल फील्ड से रिलेशन रखता है, तो ये करंट अफेयर भी है। और ये वाला आपको जो है याद रखना है कि वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, ठीक है, ये इनिशिएटिव का नाम क्या था, वैक्सीन मैत्री। ओके, तो इसमें क्या था कि इंडिया ने 1 मिलियन जो डोजेस हैं वो सेंड करी थी किसको, नेपाल को, और किसकी डोजेस थी, वो कोविड वैक्सीन की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2022 अमंग मेजर स्टेट्स। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2020 का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2020 का है, ये भी 2020 का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज आस्क्ड द सीईओ ऑफ विच पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टू विड्रॉ प्रपोज चेंजेस टू एप्स प्राइवेसी पॉलिसी। तो व्हाट्सएप इसका करेक्ट आंसर है। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो है सीईओ, जो व्हाट्सएप के सीईओ है, उनसे बोला था कि जो उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी आई थी उसको विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे इंडियन आर्मी डे वॉज ऑब्जर्व। तो इंडियन आर्मी डे आप सभी को पता होना चाहिए, जनवरी 15 को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड डीआरडीओ। तो डीआरडीओ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 9mm मशीन पिस्टल किसने बनाया है, इंडियन आर्मी और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल जॉइंटली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी। तो ये जो पिस्टल बनाई गई थी इसका नाम क्या था, अस्मी था इसका नाम। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई हैज फाउंड प्रॉमिसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ वेनेडियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेशन रखता है। ठीक है, तो वेनेडियम जो है कहां पर मिला है, कौन सी स्टेट में मिला है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहां पर ढूंढा है उसको, अरुणाचल प्रदेश में ढूंढा है। तो अरुणाचल प्रदेश जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021-26 विल बी ब्रॉट इन टू अफेक्ट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज मिलिट्री कंटिजेंट टुक पार्ट इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड 2021। तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। तो 2021 में जो है आपकी रिपब्लिक डे की जो परेड हुई थी उसमें किस कंट्री की मिलिट्री ने पार्टिसिपेट करा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है, हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया इन्वाइटेड अ फॉरेन मिलिट्री कंटिजेंट टू टेक पार्ट इन इट्स रिपब्लिक डे परेड, थ्राइस। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 बार, यानी कि इंडिया ने जो है बाहर किसी फॉरेन कंट्री को अपने यहां रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने के लिए कितनी बार बुलाया है किसी बाहर की कंट्री की मिलिट्री को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार, और 2021 में किसको बुलाया था, बांग्लादेश को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ गेस्ट एट इंडिया रिपब्लिक डे परेड 2021। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है नन। 2021 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया था रिपब्लिक डे परेड में, क्यों, क्योंकि कोविड की वजह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डेट कोविड 19 वैक्सीनेशन ड्राइव कमेंस्ड इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोविड से रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोविड 19 वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो इंडिया में कब से स्टार्ट हुई थी, कौन सी डेट से स्टार्ट हुई थी, यानी कि कौन सी डेट को फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन जो है वो इंडिया में लगाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है January 16, 2021। तो 16 जनवरी 2021 को जो है वैक्सीनेशन ड्राइव आपकी स्टार्ट हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिनाउंड फैशन डिजाइनर हु पास्ड अवे ऑन January 6, 2021 एट द एज ऑफ 79। ही वॉज नोन फॉर गिविंग अ कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न लुक टू द इंडियन साड़ी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द 850 मेगावाट्स रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट में स्टार्ट करने को बोला गया, अप्रूव करा है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस हिमा कोहली हैज बीन स्वॉन इन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच कोर्ट। ठीक है, तो जस्टिस हिमा कोहली जो है उनको किस हाई कोर्ट का पहला वुमेन चीफ जस्टिस बनाया गया था, तो उसका करेक्ट आंसर है, कौन सी स्टेट का हाई कोर्ट था वो, तेलंगाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंड्रेड्स ऑफ विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स हैव बीन फाउंड डेड
इन विच रामसर साइट्स इन हिमाचल प्रदेश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोंग डैम लेक। ठीक है, रामसर साइट्स भी आपको पता है बायोलॉजी से रिलेशन रखता है। ठीक है, बायोलॉजी में आपको दिया है जो इकोलॉजी वाला सेक्शन है, रामसर साइट्स के बारे में वहां पर दिया गया है। तो ये याद रख लो कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं कहां पर किस रामसर साइट्स में जो है वो मरी मिली थी, ठीक है, डेड फाउंड हुई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोंग डैम लेक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 2022 वुमेन्स एशियन कप फ्रॉम जनवरी 20 टू फरवरी 6 2022, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, तो 2022 में होने वाला जो वुमेन्स एशियन कप है जो कि 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक चलना था, ठीक है, वो किसने ऑर्गेनाइज करना था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इन इंडिया इलॉन मस्क ओन्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला हैज ओपन्ड इट्स फर्स्ट सेंटर। तो इलॉन मस्क के बारे में आप सभी जानते हो, इलॉन मस्क जो है वो टेस्ला के ओनर है। तो टेस्ला का जो पहला सेंटर है इंडिया में वो कहां पर खोलने की बात की गई है, बेंगलुरु में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे नेशनल यूथ डे वॉज ऑब्जर्व टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, और वो कब होता है, जनवरी 12 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व ऑन जनवरी 12, 2021। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है, तो ये जो है नेशनल यूथ डे का जो है ये आपका थीम था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हु पास्ड अवे ऑन, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पॉलिटिक्स से रिलेशन है इसका। ठीक है, और उसके बाद जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैट ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन फ्रॉम डैश इन हरियाणा टू न्यू किशनगंज इन राजस्थान। ठीक है, तो कहां से कहां जो है डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को चलाया गया है। ठीक है, तो न्यू अटेली जो कि आपका हरियाणा में है, और कहां तक, न्यू किशनगंज जो कि आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेटरन कांग्रेस लीडर ऑल्सो फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ बिहार हु पास्ड अवे ऑन जनवरी, ये भी आपके काम का नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिनाउंड संतूर प्लेयर हु हैज बीन कंफर्म्ड द तानसेन सम्मान 2020 बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, तो संतूर एक जो है मतलब आपका क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको बजाने वाले जो एक रिनाउंड प्लेयर है उसके, उनको जो है तानसेन सम्मान 2020 दिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। तो उनका नाम क्या है, इनका नाम है सतीश व्यास। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड हु हैज सक्सीडेड विनोद कुमार यादव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनील शर्मा। क्लियर है, जो कि चेयरमैन और सीईओ है किसके, रेलवे बोर्ड के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर खेलो इंडिया हाइस हॉकी टूर्नामेंट वॉज हेल्ड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका नाम याद रखना, चिकतन जो है इसका नाम है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया हाइस हॉकी जो टूर्नामेंट हुआ था वो कहां पर हुआ था, चिकतन में हुआ था। तो ये हमारे नेशनल करंट अफेयर्स हो गए, उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ब्रोक अ वर्ल्ड स्पेस रिकॉर्ड बाय डिप्लॉइंग 143 स्पेस क्राफ्ट इन टू ऑर्बिट अब्रॉड इट्स फाल्कन 9 रॉकेट, हु इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स के बारे में आपने सभी ने सुना भी होगा, स्पेस एक्स के जो फाउंडर और सीईओ है वो कौन है, इलॉन मस्क है, जिन्होंने अभी डिप्लॉय करे थे कितने 143 स्पेस क्राफ्ट इन टू ऑर्बिट। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर हिज वाइफ कमला हैरिस वाज इलेक्टेड एज अ यूएस वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऐसे कौन से सेकंड जेंटलमैन हैं यूएस के जिनको जो है यूएस का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाउंग एमहॉफ। ठीक है, तो डाउंग एमहॉफ जो है वो किसके हस्बैंड है, कमला हैरिस के हस्बैंड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा रिसेंटली रिलीज अ पिक्चर्स क्यू इमेज ऑफ विच गैलेक्सी क्लस्टर, तो किसकी इमेज रिलीज करी थी नासा ने जनवरी में, अबेल 370 की। ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव लॉस्ट देयर राइट टू वोट एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली फॉर नॉट पेइंग देयर ड्यूज। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन में कितनी कंट्रीज ने अपने राइट टू वोट जो है वो खो दिया था, तो 7 कंट्रीज इसका करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूएस प्रेसिडेंट हैव बीन रिमूव फ्रॉम ऑफिस थ्रू इम्पीचमेंट, इसका करेक्ट आंसर है नन। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ऐसे कौन से यूएस प्रेसिडेंट है जिनको 2 बार इम्पीच किया गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ द इबोला वैक्सीन मेड बाय मर्क इज बीइंग स्टोर्ड इन विच कंट्री. ठीक है, तो जो इबोला वैक्सीन बनाई गई है उसको कहां पर जो है स्टोर किया जा रहा है. इसका करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ल्ड लीडर्स ट्विटर अकाउंट हैज बीन परमानेंटली सस्पेंडेड. तो डोनाल्ड ट्रम्प इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेस्टर्स वायलेटेड द सिक्योरिटी ऑफ विच कंट्रीज कैपिटल बिल्डिंग ऑन January 6, 2021. इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट. ठीक है, तो ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल हु हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओवर हिज डिसीजन टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट. तो इसका करेक्ट आंसर है केपी शर्मा ओली. ठीक है, तो ये वाला भी जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स से क्वेश्चन नहीं आते हैं. ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इलॉन मस्क वाला था, सेकंड वाला था इसमें कि जो है यूएस वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, तीसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्लियर है, और फोर्थ वाला भी इसमें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बाकी दो बार किसको इम्पीच किया गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, इसका करेक्ट आंसर है डोनाल्ड ट्रम्प. ठीक है, तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के. तो ये हमारा जनवरी वाला पार्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया. इसके बाद जो है अगली वीडियो जो आएगी वो आपके फरवरी वाले पार्ट के लिए होगी. ठीक है, बाकी ये सारी जो वीडियोस होंगी वो मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो आप अगर बाद में भी इसको देख रहे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे पार्ट्स जो हैं सीरियल वाइज देख पाएंगे. ठीक है, तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो. ठीक है, इनकेस कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हो. ओके, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.